हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स चल रहा है और इस वीडियो के अंदर हम मीन, मीडियन और मोड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मीन पे चलते हैं। देखिए, मीन का सिंपली मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके 50 में से 48 मार्क्स आते हैं एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में 50 में से आते हैं उसके 40 मार्क्स, तीसरे सब्जेक्ट में 50 में से उसके 42 मार्क्स आते हैं, और चौथे सब्जेक्ट में 50 में से 36 मार्क्स आते हैं, और पांचवें सब्जेक्ट में 50 में से 44 मार्क्स आते हैं। और मुझे निकालनी है इसकी एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करूँगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस ही तो हैं, ये जो मार्क्स आए हैं इनका मैं सम करूँगा और डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई हैं, 5। चलिए करते हैं इसको। 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 44 डिवाइड करेंगे इनको 5 से, तो ऊपर ऊपर का जो सम आएगा ये आएगा 210 डिवाइडेड बाय 5। इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 42 आ जाएगा। तो ये जो आया है ये मीन आया है, मीन मार्क्स आ गए हैं ये उस बच्चे के, एवरेज आ गई है ये। तो इस बात का ये मतलब है कि ये जो 42 आया है ना, अगर इस बच्चे के सारे सब्जेक्ट में हम मार्क्स को इक्वल कर दें, जितने भी इसके 210 टोटल नंबर आए हैं इनको अगर हम इक्वल इक्वल पांचों सब्जेक्ट्स में बांट दें तो एक सब्जेक्ट में उसको 42 नंबर मिलेंगे। ये होती है सिंपली एवरेज। तो एवरेज और मीन का मतलब एक ही होता है। तो मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। इसी तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उनका सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। चलिए, इसी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है, इस एग्जांपल को भी समझते हैं। यहां आप एक टेबल देख रहे हैं, यहां पर वेजेस लिखी हुई है रुपीज के अंदर, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। मान लीजिए कोई कंपनी है जहां पर अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी भी, उनकी जो वेजेस है डेली वो भी अलग अलग है। अब 200 रुपए पाने वाले वहां पे 8 वर्कर्स हैं, 250 वेज जिसको मिलती है ऐसे 6 वर्कर्स हैं, 300 वेजेस जिन्हें मिलती है ऐसे 4 वर्कर्स हैं, 500 वेज पाने वाले वहां पे 2 वर्कर्स हैं। उस कंपनी के अंदर टोटल 20 वर्कर्स हैं। अब इसका जब हम मीन निकालेंगे, तो मीन का मतलब है एवरेज निकालेंगे। इस बात का यह मतलब होगा कि टोटल जो पैसा है ना, अगर उस टोटल पैसे को इकट्ठा करके हम 20 लोगों में बराबर बराबर बांटें तो फिर एक को कितना मिलेगा, वो होगी इसकी मीन वेज। तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो टोटल पैसा है वो है कितना। तो हम यहां देखेंगे कि 200 रुपए जिन लोगों को मिल रहे हैं ऐसे 8 वर्कर्स हैं, तो 8 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 हो गया, यानी 1600 रुपए तो इन 8 लोगों को मिल रहे हैं। ऐसे 250 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो गया, 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 हो गया, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो गया। ये टोटल पैसा हो गया जो इनको मिल रहा है, इसका सम कर देते हैं। तो इसका सम जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5300। अभी ये जो मैंने निकाला है ना, ये XI और FI बोला जाता है। यहां पे ये जो वेजेस हैं ये आप XI से डिनोट करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, यहां पे FI से डिनोट किए जाएंगे। तो ये तो हो गया टोटल पैसा। अब इस पैसे को 20 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, तो सिंपली जो फॉर्मूला बनेगा मीन का वो हो जाएगा समेशन ऑफ FI इंटू XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ये जो निशान देख रहे हैं ना आप, इसे सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो इसके आगे लिखा हुआ है ना, उन सब का सम। अब टोटल जो पैसा है वो है 5300। इसे 20 लोगों के अंदर इक्वली डिवाइड करना है सपोज, तो 20 से इसे हम डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 530 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 265। तो ये मीन वेज हो गई है। इस बात का यह भी मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सारे पैसे को इकट्ठा करके 20 लोगों में अलग अलग बांट देना तो एक आदमी को फिर 265 रुपीज मिलेंगे। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपका मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब ये तो हुआ मीन। मीन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये होता है आपका मीडियन। ठीक है, मीडियन के नाम से ही पता चल रहा है कि मिड, मिड जो इसके अंदर आ रहा है ना उसका मतलब होता है मिडल ऑब्जर्वेशन। मिडल का मतलब है जो बिल्कुल बीच में आता है। अब एग्जाम्पल से ही मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 बॉल्स पड़ी हुई हैं। आपसे कोई पूछे कि इनमें सबसे बीच में जो बॉल है वो कौन सी है, तो आप देखेंगे कि ये वाली बॉल बिल्कुल सेंटर में दिख रही है, क्योंकि इसके इधर भी 3 बॉल्स हैं और इधर भी इसके 3 बॉल्स हैं, तो ये तो बिल्कुल सेंटर में होगी। तो यही जो चीज है ना, यही इसके अंदर मीडियन बोली जाएगी। अगर यहां पे कोई नंबर्स लिखे हुए हैं ना, तो जो बिल्कुल बीच में आ रहा है नंबर वही आपका मीडियन होता है। अब ये जो 7 है, ये 7 है एक ऑड नंबर। तो ऑड में क्या होता है, सेंटर में एक वैल्यू आ जाती है और उसके बगल में दोनों तरफ इक्वल इक्वल चीज होती है, तो इसमें यहां जो मीडियन आता है ये एक ही वैल्यू से पता चल जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉल 7 की जगह 8 होती, 4, 5, 6, 7, 8, अब 8 तो एक इवन नंबर है। अब आप इसमें देखिए कि आपको बिल्कुल बीच में कोई दिख रहा है, तो बिल्कुल सेंटर में आपको जो है एक चीज नहीं दिखाई देगी, यहां पे आपको ये दो चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि इनके इधर बराबर 3 बॉल्स हैं, इधर 3 बॉल्स हैं। तो जब भी आपकी ऑब्जर्वेशंस इवन होती है ना, तो सेंटर में दो वैल्यूज आती हैं जो कि मीडियन होती है, लेकिन डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज को नहीं लिख सकते हम, मीडियन तो एक ही होता है ना। तो जब ये दो वैल्यूज आती है ना, तो क्या करते हैं कि इन दोनों का सम करके और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एवरेज आ जाती है। तो दो ही तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं आपके, या तो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी ऑड या फिर ऑब्जर्वेशन होगी इवन। तो पहले ऑड का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहां पर मैंने 7 नंबर्स लिखे हुए हैं। अब जब भी आप किस तरह की ऑब्जर्वेशन आती है ना, तो आप डायरेक्ट उठा के नहीं लिख सकते कि इसमें सेंटर में कौन आ रहा है। सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अब इन्हें मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, तो सबसे छोटा इसके अंदर 2 है, 2 से बड़ा इसके अंदर 5 है, 5 से बड़ा इसके अंदर 7 है, 7 से बड़ा 14 है, 14 से बड़ा 15 है, 15 से बड़ा इसके अंदर 17 है, और सबसे बड़ा इसके अंदर 27 है। अब वैसे तो ये बहुत छोटे नंबर है, 7 है, मैं डायरेक्ट देख सकता हूं कि सबसे बीच में 14 आ रहा है, लेकिन मान लीजिए ये 7 ना होके बहुत बड़ा नंबर होते, मतलब बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती, फॉर एग्जांपल ये 51 ऑब्जर्वेशंस होती, तो मुझे कैसे पता चलता कि बीच वाला कौन सा है? तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, जब भी आपकी ऑड ऑब्जर्वेशंस होती है ना, तो ये फॉर्मूले से वो वाली टर्म पता चल जाती है जो आपका मीडियन बोली जाएगी। फॉर्मूला होता है ये वाला n+1/2th term, इसी फॉर्मूले को हम यहां पे लगाएंगे। तो n यहां पे है मेरा 7 प्लस 1/2th term, तो 7+1 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया है 4, यानी 4th term जो होगी ना वो इसका मीडियन होगी। तो यहां पे 4th term मैं देख लेता हूं, 1, 2, 3, 4 ये वाली जो टर्म है ये मीडियन है, तो ये मीडियन हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 51 मान के चलता हूं कि यहां पे 51 टर्म्स है, तो फिर मीडियन कौन सी वाली टर्म होती? तो मैं लिखूंगा 51+1/2, ये 52 हो गया डिवाइडेड बाय 2, और ये 26 हो गया, 26th term। अगर ये लाइन से 51 ऑब्जर्वेशंस होती तो फिर 26th जो टर्म होती ना वो आपकी मीडियन होती। तो ये तो था ऑड का एग्जाम्पल। अब एक इवन का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इवन का एग्जाम्पल मैं यहीं पे बना लेता हूं। ये जो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, इस 14 में ही मैं एक और नंबर जोड़ लेता हूं। मैं जोड़ लेता हूं 14 के आगे 29। अब जब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो बस ये मेरा 29 एक और जुड़ जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा है तो आगे ही लिखा जाएगा। अभी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ये हो गई है इवन। तो इवन में मैंने अभी अभी बॉल का एग्जाम्पल देके बताया आपको कि इवन के अंदर सेंटर में दो वैल्यूज आती है, उन दोनों वैल्यूज का आप एवरेज निकाल देते हैं तो वो मीडियन मानी जाती है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले आपको यही निकालना होगा कि आपकी जो टर्म्स है ना उनकी वैल्यू क्या है। तो यहां पर
क्योंकि ये इवन है और एट टर्म्स हैं, तो वो दो टर्म्स कौन सी होंगी जिनका एवरेज निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेंगी। तो 8 बाय 2 ये वाली टर्म प्लस n बाय 2 है ना, तो ये 8 बाय 2 प्लस 1 ये दो टर्म और इनका एवरेज, तो 8 बाय 2 हो गया 4 प्लस और 8 बाय 2 4 और 4 प्लस 1 यानी कि 5th, तो 4th टर्म और 5th टर्म और इनका एवरेज। अभी यहां पे मैं देखता हूं कि 4th टर्म कौन सी है, तो 1 2 3 4 4th टर्म है मेरी 14 और फिर 5th टर्म कौन सी है, ये है मेरी 15 और इसका करना है मेरे को एवरेज 2 से डिवाइड, तो ये मेरा मीडियन बोली जाएगी। यहां पे यार 4 5 से ये मत समझ लेना कि 4 और 5 को प्लस करना है, नहीं, ये तो सिर्फ टर्म की वैल्यू, टर्म की जो प्लेस है ना वो पता चल रही है, टर्म की वैल्यू आपको यहां देखने से पता चलेगी। तो 4th टर्म ये थी, 5th टर्म ये थी, इनका एवरेज कर देते हैं, तो 14 और 15 हो गया 29, 29 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब 29 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 14.5 आएगी, तो ये इसका मीडियन हो गया। तो मीडियन के अंदर आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है ना, क्या वो ऑड हैं या वो इवन है। अगर ऑड है तो सिंपली ए की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर इवन है तो पहले आपको वो दो वैल्यूज पता चलानी होगी जिनका आपको एवरेज निकालना है। तो ये तो हुआ मीडियन। मीडियन के बाद सबसे छोटा सा टॉपिक है मोड। मोड का सिंपली मतलब होता है एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है। एक एग्जांपल देखिए, नीचे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सब के अंदर मैं ये देखता हूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो मेरी नजर पड़ रही है यहां पे 7 पे, ये 7 है और ये 7 है, तो साफ दिख रहा है कि यहां पे जो 7 है ना यही मोड है। तो इस क्वेश्चन का मोड हो गया है 7। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना होता, सिंपली करने का तरीका यह होता है कि पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहां तो मुझे साफ दिख रहा था, लेकिन जब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखता ना तो मेरे नंबर वैसे भी साफ साफ, जब एक साथ होते ना नंबर तो बिल्कुल साफ साफ दिख जाते। तो ये तो था मोड। बस इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर बस यही 3 टॉपिक थे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।